हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज का जो रेसिपी है वो है ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी, जो कि है दोई माछ। दोई माछ हमेशा हर बंगाली घर पे बनता है, हमारे घर पे हमेशा बनता है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं आज का रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को सबको अच्छा लगे ये रेसिपी। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले हम लेंगे रिफाइंड ऑयल और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। चलो जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स है, पहले जिंजर को हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया है, फिर लिया है जीरा जो कि क्यूमिन सीड्स है, फिर हमने लिया है मिर्ची, तीन मिर्ची काट के, और फिर ऑनियन अच्छे से स्लाइस करके। उसके साथ हमने लिया एक कटोरी दही, आधा किलो फिश अच्छे से फ्राई करके, और फिर नट्स, काजू किशमिश। पहले हमने डाला जीरा, जीरा को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे उस पे मिर्ची। हो गया शुरू अटैक। अब इसमें डालते हैं अदरक का पेस्ट। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। लो जी थोड़ा और बच गया था, उस पर भी डाल देते हैं। अब इस पे डालते हैं स्लाइस्ड किया हुआ अनियन। ये लो गया सारा अनियन। फिर हम इसको अब अच्छे से फ्राई करेंगे। चलो जी फ्राई करते हैं। अच्छा, आप अब ध्यान से सुने क्या करना है। जो जो चीज़ हमने तेल में डाला है उसको हम पेस्ट भी बनाएंगे। उस पे रहेगा जीरा, थोड़ा अनियन, थोड़ा जिंजर, थोड़ा गार्लिक और थोड़ा मिर्ची। उसको हमको अच्छे से पेस्ट बनाना है, उस विद इलायची, थोड़ा इलायची डाल के ग्राइंडर पे पेस्ट बनाना है, जिसको हम इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। पेस्ट बना के हमने डाल दिया है इस पे, और हम अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज, कलर ऐसे होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ उसका मसाले का स्मेल गया है और अच्छे से फ्राई हुआ है। इसमें थोड़ा नमक शमक ऐड कर लेते हैं। अब पेशेंट अगर है घर पे तो आप नमक का क्वांटिटी ज़रा देख के दीजिएगा। अब इस पे हम ऐड करेंगे काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स। दही जो हम रखे हैं ना, उसको हम उस पे चीनी डाल के अच्छे से उसको फेंट लेंगे, ताकि वो चीनी मिक्स हो जाए दही में। और इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, हम दही में ही चीनी डालेंगे। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब डालते हैं इस पे मछली। मछली आधा किलो हमने लिया था, अच्छे से हमने फ्राई कर लिया था उसको पहले ही, तो उसको अब हम इस पे डाल के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सा रेसिपी है, जब भी चाहिए अब घर पे आराम से बना के 10 मिनट में बन जाते हैं जी। तो फिकर नॉट, आराम से इसको बनाइए घर पे और खाइए। अच्छा, इस पे थोड़ा ध्यान रखे ताकि ये टूटे ना मछली। मेरे से एक मछली टूट गया था, तो आप देख सकते हैं
उसका स्किन निकल आया है, लेकिन ना आप टूटे देखना, ये ज़रा टूटे ना। चलो जी, मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस पे दही ऐड करते हैं। दही में हमने चिली पहले से ही घोल लिया है, तो ये मीठा दही बन गया है एकदम। दही डालने के बाद हम लोग ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, क्योंकि दही फट जाता है, तो थोड़ा बहुत पका के थोड़ा बॉईल होने के बाद हम लोग निकाल लेंगे। इसको थोड़ा बॉईल करने दिए ताकि वो जो मीठा दही है एकदम मसाले के अंदर चला जाए और स्वादिष्ट लगे। जी हो गया, बन गया। अब इसको डिश आउट करते हैं। बन गया हम लोग का ऑथेंटिक बंगाली दोई माछ। सब खा लिए हैं, सबको अच्छा लगा, तो आप भी बनाएं, आप भी खाएं और मेरे को ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा।